कल यानी 23 अगस्त, जो कि इसरो और हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही स्ट्रेसफुल और ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि कल चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। जब विक्रम लैंडर चांद के सरफेस से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, तब वो हॉरिजॉन्टली 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लैंडिंग साइट की ओर आगे बढ़ेगा। लैंडिंग साइट से लगभग 750 किलोमीटर पहले से ही विक्रम लैंडर के स्पीड को 1.68 किलोमीटर से कम करके 358 मीटर पर सेकंड के स्पीड पर लाया जाएगा, और इसी दौरान विक्रम लैंडर को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली मूव किया जाएगा। विक्रम लैंडर के वर्टिकल पोजीशन में आते ही इसके थ्रस्टर्स, सेंसर्स एंड कैमरास को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और विक्रम लैंडर को बहुत ही सॉफ्टली लूनर सरफेस पर लैंड करवाया जाएगा। इसी प्रोसेस को चंद्रयान 2 और लूना 25 नहीं कर पाए थे, बट इस बार बेटर इक्विपमेंट्स एंड प्लानिंग के साथ विक्रम लैंडर को चांद के सरफेस पर बहुत ही केयरफुली उतारा जाएगा। चांद के सरफेस पर उतरते ही प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से बाहर निकाला जाएगा और दोनों ही एक दूसरे की तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। सो बी रेडी टू फील प्राउड टुमारो एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू अबाउट चंद्रयान 3 मिशन। स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो मी फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।